जय हिंद, जय भारत दोस्तों। वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। गाइस, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सर बिल्स ऑफ एक्सचेंज के टॉप 10 बेहतरीन क्वेश्चन। बता दीजिए हमारे आईएससी बोर्ड की बुक से डीके गोयल सर वाली। सर 10 बेहतरीन क्वेश्चन बता रहा हूँ, जिसके बाद आपको पूरा चैप्टर, बस ये कर लो, पूरा चैप्टर एक तरफ और ये 10 क्वेश्चन एक तरफ। 10 क्वेश्चन से आपका एग्जाम आएगा इन्हीं 10 बेहतरीन क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको शुरुआत करनी है, जहां आपको सिंपली ड्यू डेट बतानी है बिल की, कि 2 महीने बिल होगा तो कैसे ड्यू डेट निकलेगी, 45 दिन के लिए लिखा होगा तो कैसे ड्यू डेट निकलेगी, ग्रेस पीरियड कब लगता है कब नहीं लगता है, इमरजेंसी हॉलीडे होगा तो एक दिन पहले करना पड़ेगा या बाद में करना पड़ेगा, पब्लिक हॉलीडे होगा तो एक दिन पहले करना पड़ेगा या बाद में। क्वेश्चन नंबर 2 से आपको पता चल जाएगा। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं, जहां पर दोस्त 4 डिफरेंट केसेस हैं। बिल जब हमारे पास रिटेन होता है तो क्या जनरल एंट्री बनती है एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी, बिल जब इंडोर्स कर देते हैं तो क्या होती है, बिल डिस्काउंटेड कराते हैं बैंक से तो क्या एंट्री बनती है, और सेंट फॉर कलेक्शन होता है तो क्या जनरल एंट्री बनती है। 4 डिफरेंट केसेस में क्वेश्चन नंबर 7 में आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 लगा लगा इंपॉर्टेंट है, जहां रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट, मतलब बिल को रिटायर किया गया है, ड्यू डेट तो अभी समय है, पेमेंट आने में समय है, पर जो पर्सन है, ड्रॉई है, एक्सेप्टर है, वो पहले ही बिल का पेमेंट कर रहा है, तो आपको रिबेट को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डेबिट करना। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दमदार, बेहतरीन और भयंकर कॉन्सेप्ट के साथ डिसऑनर ऑफ बिल एंड रिन्यूअल ऑफ बिल, मतलब पहले बिल डिसऑनर हो जाएगा उसके बाद आपको एक नया बिल लिखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट ए और बी जरूर करना है आपको। 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है, जहां बिल तो डिसऑनर हुआ है, पर वो वाला बिल डिसऑनर हुआ है जहां पर हमारा पहले डिस्काउंट कराया हुआ था बैंक से, तो आप जब इसके नोटिंग चार्जेस को क्रेडिट करेंगे तो टू बैंक करेंगे या फिर टू इंडोर्स ही करेंगे या फिर कुछ और करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए इंपॉर्टेंट है डिसऑनर के केस में। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 16 पर जाना है, जहां पर डिसऑनर के सर्टेन केसेस दिए हो, मतलब चार बार, चार केसेस, चार अलग अलग तरीके की बात है, बिल हम पर होगा तो डिसऑनर किस तरह होगा, बिल इंडोर्सी के पास होगा तो डिसऑनर के टाइम पर क्या एंट्री बनेगी, बिल सेंट फॉर कलेक्शन होगा तो डिसऑनर के टाइम पर क्या एंट्री बनेगी, और बिल अगर डिस्काउंट करा रखा है बैंक से और डिसऑनर होगा तो क्या जनरल एंट्री बनेगी। क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए इसके लिए खास है, इसके बाद 4 बेहतरीन क्वेश्चन आपको और दे रहा हूं, इसके बाद चैप्टर पूरा खत्म। देन दोस्त, ये 4 बेहतरीन वाले नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, जिनके बाद आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 19, जहां पर दोस्त आपके 3 बिल्स ऑफ एक्सचेंज है एक ही क्वेश्चन में, 3, मतलब यहाँ डिफरेंट केसेस नहीं है, एक बिल इंडोर्सी को दिया गया, एक बिल अपने पास रखा गया, एक बिल डिस्काउंट कराया गया। जब डिसऑनर होंगे तो इनकी क्या क्या जनरल एंट्रीज बनेंगी, आपको ये तीनों बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर ड्यू डेट के हिसाब से क्वेश्चन को करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए बेहद खास होने वाला है, एक सिंगल क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके लिए, नॉट सो मच इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, बिकॉज एग्जाम में भी और टीचर्स भी इस टॉपिक को इग्नोर करते हैं, कि जब ड्रॉई इंसॉल्वेंट हो जाएगा और वो कुछ भी पैसे नहीं देगा या फिर कुछ पैसे नहीं देगा, तो आपको बैड डेट्स वर्ड डालना पड़ेगा इस केस में, इंसॉल्वेंसी ऑफ एक्सेप्टर या इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई होता है इस कॉन्सेप्ट में, तो ऑन क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31, जहां 4 से 5 डिफरेंट केसेस दिए हुए डिसऑनर वाले के और रिन्यूअल वाले के, और लास्ट आपका क्वेश्चन नंबर 32 के बाद आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट छोटी छोटी जनरल एंट्रीज बनवाई है, जिनमें आप कंफ्यूज रहते हो कि इंटरेस्ट अगर तुरंत देगा तो कैश टू इंटरेस्ट एंट्री बनेगी क्या, इंटरेस्ट अगर ड्यू कर रहे हैं हम उस पर तो ड्रॉई टू इंटरेस्ट बनेगी क्या, अगर कुछ पार्ट पेमेंट दे दे रहा है पुराने बिल में से और नया बिल रिमेनिंग अमाउंट का लिखना है तो क्या एंट्री बनेगी। तो डिफरेंट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 31, 31 और क्वेश्चन नंबर 32। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबा देना, दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, तो कमेंट सेक्शन बताना अगले कौन से चैप्टर के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए। थैंक यू सो मच, बी हैप्पी ऑलवेज।